दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे महिंद्रा की स्कॉर्पियो है, 2012 का मॉडल है, डीजल कार है। तो इसमें मैं आज आप लोगों को बस गैस चार्जिंग कैसे किया जाता है और कितना गैस आता है इसमें, तो वही चीज बताने वाला हूं। तो चलो फिर मैं बाहर लेके जाता हूं आपको, इसमें कैसे गैस मारा जाता है, क्या क्या करना पड़ता है पहले। तो चलो फिर, तो सबसे पहले मेरे को सिस्टम तो ओके है, सिस्टम को लीक टेस्ट करना नहीं है, वैक्यूम लगाना है और गैस मारना है। तो चलो फिर बाहर लेके जाता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको लो वाला एडेप्टर और हाई वाला एडेप्टर लगा करके मशीन में लगाना है। उसके बाद लगाने के बाद वैक्यूम लगाना है, लीक टेस्ट तो अपने को करने का नहीं है। तो 10 मिनट के लिए वैक्यूम लगा देता हूँ। तो चलो फिर, जैसा कि देख पा रहे हैं ये कांटा ड्रॉप हो रहा है, नीचे उतर रहा है। वैक्यूम इसलिए लगाया जाता है क्योंकि बाहर की एटमॉस्फेयर की एयर जो अंदर चले जाता है ना सिस्टम में, उसी को निकालने के लिए ही वैक्यूम लगाया जाता है, और दूसरा गैस को एक्सेप्ट करने के लिए वैक्यूम किया जाता है। तो चलो अपना वैक्यूम 10 मिनट तक कंप्लीट होने देते हैं, फिर आगे अपन मिलते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं वैक्यूम कम्प्लीट होने को जा रहा है, वैक्यूम कम्प्लीट हो गया और होल्ड टाइम है 1 मिनट। तो 1 मिनट में जब तक अपन इसमें ऑयल डाल देते हैं थोड़ा, ये कंप्रेसर ऑयल है जो कि कंप्रेसर को ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। तो चलो 50 ml ऑयल डाल देते हैं। 50 ml ऑयल डाल दिया हूँ, तो अपना 50 ml ऑयल डाल चुका है। वैक्यूम का काटा भी देख लीजिए, अब 0-0 हो गया। वैक्यूम इसलिए किया जाता है क्योंकि अंदर एयर जो एटमोसफियर का एयर रहता है उसको निकालने के लिए, ताकि मॉइस्चर वगैरह ना हो, इस वजह से। तो चलो फिर, जब तक 10 सेकंड में होल्ड करता हूँ। तो वैक्यूम कंप्लीटेड, अब इसमें गैस मारने का 450 ग्राम गैस मारता हूँ इसमें, क्योंकि स्कॉर्पियो में ज़्यादा गैस लगता है, सिंगल एसी इन्फ्लुएंस गैस है ही नहीं इसमें। इसमें गैस भर के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। इसमें गैस ना रहने की वजह से इसमें गैस फिलिंग करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये सिलेंडर है हाई वाले से, हाई वाला लगा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो हाई वाला का प्रेशर यहाँ है और मैं इसको फिलिंग में ले लेता हूँ। इतना गैस डालोगे अंदर मशीन में, जैसा कि 1 किलो का डाला हूँ मैं। तो अब सिलेंडर में से गैस इसमें आएगा मशीन में, तो जैसा कि देख पा रहे हैं इतना गैस आ चुका है। तो चलो बाद में मैं गैस इसमें डाल के, फिर गाड़ी में गैस डाल के आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली इसमें गैस 5 किलो आ चुका है, तो चलो इसमें गैस चार्ज कर लेता हूँ मैं। साढ़े 400 ग्राम गैस, जैसा कि देख पा रहे हैं गैस जा रहा है अंदर, पहुंच चुका है। तो चलो फिर मैं अंदर से गाड़ी चालू करके आपको आगे दिखाता हूँ पंपिंग वगैरह। तो फाइनली जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाड़ी चालू है अभी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और हाई और लो प्रेशर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हाई प्रेशर देख रहे हैं 200 के पास है, और लो प्रेशर 15 के ऊपर है, और गैस पूरा चार्ज हो चुका है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाड़ी चालू है, और चलो अंदर कूलिंग टेम्परेचर वगैरह दिखा देता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाड़ी चालू है अभी, और एसी चालू रखा हूँ। कूलिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए 7.5 पे आ चुका है। एसी हाई पे कूलिंग ज्यादा होगी और एसी लो पे कूलिंग कम होगी, बस एसी लो और एसी हाई इसमें ऑप्शन दिया है स्कॉर्पियो में। तो बाकी सब इसका सिस्टम सभी प्रॉपर चल रहा है। तो हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्लीज लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।